हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रिद्धि कार केयर। मेरा नाम है अभिषेक भिदोड़ी। तो यार मुझे ना बहुत बंदे मेरे से बोल रहे थे कि यार क्या 2 साल 5 साल पुरानी गाड़ियाँ दिखा रहे हो आज। तो आज मैं फिर दोबारा लेके आया हूँ, अब की बार लेके आया हूँ 9 साल पुरानी कार है, जो गाड़ी तकरीबन 5 से 6 साल से गाड़ी घर में खड़ी हुई थी। कस्टमर कह रहे थे मैं यूज़ नहीं कर रहा था और गाड़ी अंदर से इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। उन्होंने मेरे से स्पेशली बोला है कि मुझे गाड़ी अंदर से पूरी डीप क्लीनिंग चाहिए। तो हमने करी है गाड़ी की पूरी डीप क्लीनिंग। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की कंडीशन कैसी है। गाड़ी की कंडीशन अंदर पूरी ख़तरनाक वाली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की कंडीशन कैसी है। हाँ, बट उससे पहले हमने ना गाड़ी की ना सीटें वगैरह पूरी निकाल दी है, मैट वगैरह पूरा निकाल दिया है, ताकि हम उसे प्रॉपर तरीके से अंदर से हर कोने कोने को और उसके एक एक नट को हम प्रॉपर तरीके से साफ़ कर सकें। तो मैं दिखाता हूँ वो गाड़ी की कंडीशन। आइए चलिए, लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर आपको, आइए। तो ये अपनी गाड़ी की कंडीशन, ये गेट देखिए कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, और ये फ्लोर देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट और गंदगी है। तो इसको हम साफ़ करने वाले हैं आज। और स्टेयरिंग वगैरह भी बहुत गंदा है, बहुत डैशबोर्ड भी पूरा तरह से पूरे पर डस्ट डस्ट भरी पड़ी है, मिट्टी है लिटरेली बहुत ज़्यादा। स्टीरियो वगैरह सब डस्ट है, ये ग्लोव बॉक्स में भी बहुत मिट्टी है। स्विचेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखा है, और अपने एसी वेंट भी बहुत डस्ट भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो गाड़ी बहुत दिन से खड़ी थी, ये देखिए डैशबोर्ड में, मतलब ये नहीं लगा लो डस्ट, कुछ पानी से गिर जाता है तो डस्ट चिपक चुकी है बहुत बुरी तरह से। तो आज को हम करने वाले हैं साफ़। ये देखिए, मतलब बता नहीं सकता गाड़ी कितनी गंदी है अभी। फ्लोर वगैरह भी बहुत गंदा है, मतलब डस्ट ना, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने फेंकी हो। तो ये अपना कैबिन है, तो पूरी सीटें वगैरह निकाल दी हमने पहले, क्योंकि वो साफ़ करेंगे प्रॉपरली। इसमें आप डीप क्लीनिंग करने वाले हैं आज इसमें, और चलते हैं करते हैं काम स्टार्ट। तो गाड़ी की कंडीशन कुछ तरीके से है, तकरीबन 9 साल से गाड़ी वॉश नहीं हुई है और ये खड़ी रही है एक प्लॉट में। तो कंडीशन आपको देख के पता भी लग रहा होगा, और इंटीरियर मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो काम कर दिया है हमने अभी स्टार्ट। तो साइड डस्ट वगैरह जितना भी मोटा मोटा डस्ट है वो निकालेंगे अपने ब्रश से, उसके बाद इसमें करेंगे हम वैक्यूम वगैरह और केमिकल से साफ़। तो फ़िलहाल अभी मोटा मोटा डस्ट निकाल रहे हैं। तो ड्राइकलिंग कर दिया हमने स्टार्ट। तो हमने पहले केमिकल अभी मारा, स्टार्ट कर रहे हैं स्टेयरिंग से। तो ये अपना स्क्रबर है, स्क्रबर से हम करेंगे साफ़, ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए, इसलिए हम स्क्रब यूज़ करेंगे और अच्छे से साफ़ हो सके, पूरी तरह से डस्ट निकाल सके हम। और ये अपना डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे भी हम पहले केमिकल लगाएंगे अपना, केमिकल मारने के बाद स्टार्ट करेंगे। वैसे शायद नज़र आ रहा होगा आपका स्टेयरिंग बहुत साफ़ हो गया है, पहले जितनी भी डस्ट है सब कुछ निकाल चुके हैं हम। तो वही हम अब करेंगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड बिल्कुल कोने कोने से डस्ट जितना है सब कुछ निकालेंगे, एक एक कोने को हम रब करेंगे, ताकि जहाँ से वो गंदगी जमी हुई है, डस्ट जमी हुई है, हम उसे निकाल सकें। अपना ये स्पीडोमीटर वगैरह भी जितना भी है सब एक कोने कोने में, जहाँ पे हम साफ ऑनली कर नहीं पाते हैं तो हम उस तरीके से करेंगे साफ। स्पीडोमीटर के अंदर मारिए, और ये पूरा स्पीडोमीटर अंदर से बाहर से, जहाँ कहते हैं ना कि चुन चुन के मिट्टियाँ निकालेंगे। और ये अपना एसी ग्रिल है, एसी ग्रिल को साफ़ करेंगे अपने को, क्योंकि इसमें डस्ट फंस जाती है, साफ़ हो नहीं पाता बाहर से, बट हम इसको भी साफ़ करेंगे प्रॉपरली। बाकी हमने साफ़ कर दिया है, ये देखिए, ये ऊपर हमने पूरे पे साफ़ कर चुके हैं, नीचे वाला साफ़ नहीं हुआ है अभी। आपको डिफरेंस साफ नज़र आ रहा होगा कि जो हम साफ़ कर चुके हैं उसमें, और जो हमने साफ़ अभी तक नहीं किया, देखिए।
काम हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, हमने ड्राई क्लीन अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है, सीटें वगैरह दोबारा से हम फिक्स कर चुके हैं, मैट फिक्स कर चुके हैं पूरा अपना, गाड़ी हमने वॉश करके पूरा पॉलिशिंग वॉलिशिंग करके बिल्कुल जैसे कहते हैं टन टना टन कर दी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का अंदर से इंटीरियर और बाहर से गाड़ी का एक्सटीरियर। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिस किसी को भी हमारा काम पसंद आया हो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, ज़रूर कमेंट्स करें। और किसी को भी अपनी गाड़ी नई हो, पुरानी से नहीं करानी हो, तो प्लीज़ एक बार हमारे पास आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दूँगा, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मेरे आउटलेट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।